नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। थर्ड क्लास के बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे मुझको जरा बताओ। इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक छोटा सा जो प्यारा सा बच्चा है, वह अपनी नानी से पूछ रहा है कि आसमान है ये नीला क्यों लगता है, तारों में के पता नहीं कौन सा जादू छाया हुआ है, फिर कहीं ये इंद्रधनुष है ये कैसे उगता है, फिर ये जो परियों की रानी है वह आसमान में कहाँ छिपी हुई है, फिर पूछता है कि ये जो सूरज दादा है ये दिन भर चम चम क्यों हंसते रहते हैं और शाम को ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं नई रोशनी हम सबको देकर। फिर कहते हैं कि ये चंदा मामा इतने प्यारे हैं और इसका उजियारा बड़ा ही गजब है, फिर कि इनकी हंसी इतनी सुहानी क्यों है, चंपे के फूलों जैसी चंदा की हंसी इतनी सुहानी क्यों है। फिर बोलते हैं कि ये जो फूल है लाल गुलाबी नीले पीले सजीले ये कैसे खिलते हैं और हवा में झूम झूम कर हमसे क्या मस्त कहानी कहते हैं, मुझको तो बताओ नानी। फिर ये लास्ट वाला पैराग्राफ बचा था, चिड़िया गाती है जो गाना, चिड़िया गाती है जो गाना लगता है क्यों खूब खूब सुहाना। फिर आगे क्यों कोयल क्यों अच्छी लगती है, कोयल क्यों अच्छी लगती है, मुझको जरा बताओ नानी। फिर के बच्चा नानी से कह रहा है कि चिड़िया जो भी गाना गाती है, चिड़िया जो गाना गाती है वहां हमें के इतना सुहाना क्यों लगता है, चिड़िया कितना प्यारा गाती है कि इसका गाना हमें कैसा लगता है, सुहाना लगता है। फिर के ये कोयल इतनी अच्छी क्यों होती है, क्यों इतनी अच्छी लगती है कोयल। फिर के ये कौवा इतना अभिमानी क्यों है, कौवे में भी इतना अभिमान क्यों है, मुझको जरा बताओ नानी कि ये चिड़िया जो भी गाना गाती है वह हमें बड़ा ही सुहाना लगता है। फिर के ये कोयल इतना अच्छा क्यों गाती है, इतनी अच्छी मुझे क्यों लगती है, और ये कौवा है इसमें आखिर किस बात का घमंड है, क्यों यह इतना अभिमान करता है, मुझको तो बताओ नानी। ये अपने यहाँ पर पाठ हो गया है पूरा। अब इसके आगे हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए तो आगे हम लोग इस पाठ के प्रश्न करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए आगे आप लोग बोर्ड पे देख के लिखोगे कि पहला प्रश्न है, तारों की क्या विशेषता है। तारों की क्या विशेषता है, इसका आंसर आपको लिखना है। तारे रात
रात के समय तारे, रात के समय आसमान में चमकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको लिखना है, इंद्रधनुष कहाँ उगता है? दूसरा प्रश्न लिखना है आपके, इंद्रधनुष कहाँ उगता है? इसका आंसर आपको लिखना है, इंद्रधनुष आसमान में उगता है। इंद्रधनुष आसमान में उगता है। फिर तीसरा प्रश्न, चंदा की असी किसके जैसी है और फूल हवा में झूम झूम कर क्या करते हैं? इसके आंसर मैं आपको इसके अगले वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।